IIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम आचार्य जगदीश चंद्र बसु विज्ञान के आकाश में एक भारतीय सितारा। ये हैं भारतीय विज्ञान की प्रथम पीढ़ी के महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु, इन्हें जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है। 30 नवंबर सन 1858 को जगदीश चंद्र का जन्म पूर्वी बंगाल के मेमन सिंह जिले में हुआ। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश है। बालक जगदीश की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई, जो उनके पिता श्री भगवान चंद्र बसु ने स्थापित की थी। समाज सुधारक, देशभक्त और ढाका में डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट पिता ने ये स्कूल गरीब भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित किया था। इस प्रारंभिक शिक्षा के बाद सन 1869 में इनका दाखिला कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में करवाया गया, कलकत्ता जो अब कोलकाता है। सन 1875 में 16 वर्ष की आयु में न केवल जगदीश बसु ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास की, बल्कि छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की और उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हुई। इस समय भारत में था ब्रिटिश राज। लेकिन युवा जगदीश चंद्र बसु की प्रतिभा को नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं था। कॉलेज में बेल्जियम मूल के एक प्रोफेसर थे, यूजेन लाफोंट। ये थे साइंटिफिक सोसाइटी इन इंडिया के संस्थापक और विश्व के जाने माने वैज्ञानिक। ये युवा जगदीश चंद्र बसु की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन देते और उनका पथ प्रदर्शन करते थे। ब्रिटिश राज में अपनी प्रतिभा के बल पर आंखों का केंद्र बन जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यूजेन लाफोंट अक्सर जगदीश चंद्र बसु से प्रकृति, विज्ञान और आजीविका पर बात करते रहते थे। स्नातक होने के बाद जगदीश चंद्र बसु अपनी डिग्री लेकर अपने माता पिता के पास गए। बाबा, माँ, माँ, जगदीश। प्रणाम माँ। जीते रहो। प्रणाम बाबा। ये देखिए मेरी डिग्री। ओ शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। सुखी रहो बेटा, खूब आगे बढ़ो। आपसे और बाबा से ही तो सीखा ये सब कुछ। बड़ा हो गया हमारा जगदीश। देखो नजर नहीं लगाओ मेरे बच्चे को। हाँ अच्छा, अब ये बताओ आगे क्या करना चाहते हो? बाबा वो मैंने बताया था ना आपको, हमारे एक प्रोफेसर हैं सर लाफोंट। हाँ हाँ। वो तो कह रहे थे कि अगर मैं कोशिश करूं तो एक ही बार में ICS परीक्षा पास कर सकता हूँ। अरे वो ही ना जिससे बहुत बड़े अफसर बनते हैं। हाँ माँ, सिविल सर्वेंट। हाँ। मतलब प्रशासनिक अधिकारी। तो सर लाफोंट तो सलाह दे रहे थे कि मुझे ICS की परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं क्या हो गया बेटा? तुम्हें ठीक अच्छी ना? ठीक बोले बेटा। क्या बात है, की होलो? माँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं बड़ा अफसर न बनना चाहूँ तो? बेटा माँ, मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं कितना कुछ है जानने सीखने के लिए। मैं भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रकृति विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ माँ। पेड़ पौधों की हंसी खुशी, उनका दुख दर्द सब पहचानना चाहता हूँ माँ।
मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा ना माँ? बेटा, ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, बस ये जानती हूँ कि बाबू बनना तुम्हारा काम नहीं, जो चाहते हो उसे करने की हिम्मत रखो। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ। पर माँ, वो बाबा तो नाराज नहीं होंगे ना? पता नहीं उन्होंने क्या क्या सपने देखे होंगे मेरे बारे में। तुम्हारा बाबा ने तुमको डांटा पहले, जो अब डांटेगा। हाँ, एकदम सच्ची बोलती। तो मैं बता दूँ ना बाबा को? मैं तो कहती हूँ कह डाल। जो होगा देखा जाएगा। ये क्या माँ बेटे में गड़बड़ चल रहा है? ठीक अच्छी भाई, पानी वानी पी लिया हो तो आ जाओ, आगे बात तो कर ले। बाबा आश्ची, आश्ची बाबा। माँ तुम भी चलो ना। हाँ चल चल, बच्चा कहीं। चलो ना माँ। जी बाबा। तो जगदीश, तुम कह रहे थे कि सर लॉफोंट भी कहते हैं कि... बाबा मैं आईसीएस नहीं बनना चाहता, प्रकृति विज्ञान में आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, चिकित्सा विज्ञान भी पढ़ना चाहता हूँ, कृषि चिकित्सा में आगे पढ़कर देश की सेवा करना चाहता हूँ, आपकी और माँ की तरह गरीबों की मदद करना चाहता हूँ और आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहता। जगदीश, आप नाराज तो नहीं है ना बाबा? अरे तू देश की सेवा करना चाहता है और मैं नाराज होऊंगा? मैं चाहता हूं तुम एक विद्वान बनो, इस समाज और इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो काम करो जो कोई नहीं कर सका। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ बेटा। माँ, बेटा। सन 1880 में जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान के लिए उन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन एनाटॉमी की प्रयोगशाला में शवों की दुर्गंध से उन्हें एलर्जी हो गई, वो बीमार रहने लगे। उन्हें कालाजार नामक रोग हो गया। तब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ माइकल फोस्टर, एफएम बोल्फो और लॉर्ड रैली जैसे महान विज्ञान शास्त्रियों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। परंतु अब जगदीश चंद्र बसु का स्वास्थ्य बहुत ही अधिक बिगड़ चुका था। तब सन 1881 में उन्होंने वनस्पति शास्त्र यानी प्रकृति विज्ञान में प्रवेश लिया। ये विषय तो बचपन से ही उनका प्रिय विषय रहा था। इसमें उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली और सन 1884 में इस विलक्षण विद्यार्थी को एक नहीं बल्कि दो दो डिग्रीज मिली, बीएससी और प्रकृति विज्ञान में ट्राइपॉस। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बसु कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। जगदीश बोस कहते हैं, साइंस बिलोंगिंग नीदर टू द ईस्ट नॉर टू द वेस्ट, साइंस अ ह्यूमन हेरिटेज। शांत शांत शांत, आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अलेक्जेंडर मैकेंजी यहां पधार चुके हैं। और अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु। जी हां, प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु अब इलेक्ट्रो चुंबकीय माइक्रो तरंगों के प्रसारण का प्रयोग आप सबके सामने करें सर। थैंक यू।
thank you everyone. My regards to all esteemed and great people present here today. अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अपने प्रयोग पर आता हूं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो उपकरण है ये एक ट्रांसमीटर है। इससे अलग अलग लंबाई की इलेक्ट्रोचुंबकीय तरंगें पैदा की जा सकती हैं, जो रास्ते के सभी गतिरोधों को पार करते हुए दूर तक जा सकती हैं। इस हॉल के बाद 23 मीटर यानी 75 फीट की दूरी पर एक बंद कमरा है और वहां हमने एक घंटी सूखा गन पाउडर रखकर उसे एक सर्किट से जोड़ दिया है। अब मैं इस बटन को दबाता हूं। यही तो है विज्ञान का जादू, बिना तार के ये कैसे संभव कर दिखाया उन्होंने। ये आविष्कार तो क्रांतिकारी है। ब्रिटिश वैज्ञानिक और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता सर नेविल फ्रांसिस मॉट ने कहा था, J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time. सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय ने उनके शोध लेख ड्रिफ्टिंग ग्रेटिंग के द्वारा विद्युत तरंगों की लंबाई पर DSC की उपाधि दे दी और इसके लिए उन्हें परीक्षा में बैठाने की भी जरूरत नहीं समझी। सन 1898 आते आते प्रोफेसर J.C. Bose के नाम से जगदीश चंद्र बसु विश्व विख्यात हो चुके थे। सन 1899 प्रोफेसर J.C. Bose ने अपने एक अति संवेदनशील कोहरर को सबके सामने प्रस्तुत किया। ये है मेरा नया उपकरण कोहरर। इस स्प्रिंगनुमा सर्किट में मैं ये देखिए एक टेलीफोन डिटेक्टर लगा रहा हूं। हाँ ठीक है, अब जैसे ही मैं ये करता हूं तो तरंगों का फ्लैश रिसीवर पर नजर आता है और सुनिए ये गोइलमो मार्कोनी को इस बेतार टेलीग्राफी में अपार संभावनाएं नजर आईं और 10 साल बाद 12 दिसंबर सन 1901 को उन्होंने अटलांटिक महासागर पार संदेश पहुंचाने का अपना पहला प्रयोग अंजाम दे दिया। बोस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और सर J.C. Bose के भतीजे डॉक्टर D.M. Bose ने कहा था, Bose was the first one to invent a wireless coherer and an instrument for indicating the refraction of electric waves. This was in fact the first hint of the possibilities of radio telegraphy. But this Indian scientist did not exploit his inventions commercially. He never thought of patenting it. अब तक जगदीश चंद्र बसु
प्रकृति विज्ञान की एक नई शाखा बायोफिजिक्स के अग्रणी वैज्ञानिक बन चुके थे। भौतिक विज्ञान की सही सही मापने जांचने की विशेषताएं उन्होंने जीव विज्ञान में शामिल कर नए नए रहस्यों को उजागर किया। इंग्लैंड के कई विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लीड्स में उनके व्याख्यान हुए। इस विलक्षण वैज्ञानिक की चर्चा न केवल विज्ञान और शिक्षा जगत में बल्कि विश्व भर के ज्ञान और अनुसंधान जगत में भी हुई। इनका नाम एक पहचान बन चुका था। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के भीष्म पितामह माने जाने वाले इंग्लैंड के सर जॉन बर्डन एंडरसन ने प्रोफेसर जेसी बसु के एक लेख का शीर्षक बदलने के लिए बसु से कहा। उनके अनुसार तभी वो लेख रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में छप सकता था, लेकिन बसु इसके लिए राजी नहीं हुए और एक के बाद एक नए नए सफल प्रयोग करते रहे। आखिरकार रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने न केवल इनके शोध लेखों को प्रकाशित किया बल्कि आगे और अनुसंधान करने के लिए उन्हें पार्लियामेंट कोष से आर्थिक सहायता भी दी। और यही नहीं, सन 1916 में ब्रिटिश सरकार ने प्रोफेसर जगदीश बसु को नाइटहुड से भी सम्मानित किया। बैलेंस्ड क्रिस्कोग्राफ। सर जगदीश चंद्र बसु का बनाया हुआ ये उपकरण ये पौधे की वृद्धि को 10,000 गुना विशाल करके दिखा सकता था। इस यंत्र से पौधे की गति को सेकंड के 1,000वें भाग तक देखा जा सकता था। ये 1 इंच के 1,00,000वें भाग की मूवमेंट दिखा सकता था। विज्ञान की सबसे प्राचीन संस्था रॉयल सोसाइटी में इस उपकरण का प्रदर्शन किया गया, जिसे 10 मई 1901 को स्वयं जगदीश चंद्र बसु ने प्रदर्शित किया। अब मैं इस पौधे को इस यंत्र में लगाता हूं। And now we'll start. Here we go. समाज का हर वर्ग जगदीश चंद्र बसु से प्रभावित था। परमहंस स्वामी योगानंद ने एक बार जेसी बोस से कहा, मैंने आपके प्रयोगों और आविष्कारों को गहराई से समझने की कोशिश की है। धन्यवाद स्वामी जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह समाज की सेवा कर सकूं। मैं इसी बारे में सोच रहा था, क्या आपके प्रयोगों का कृषि में उपयोग किया जा सकता है, जैसे रासायनिक खादों का पेड़ पौधों पर उनकी वृद्धि पर कैसा असर पड़ता है, अनुकूल या प्रतिकूल? सही खाद क्या हो सकती है, प्रयोगशाला में उनका और रसायनों का चुनाव किया जा सके जिससे कृषि में सुधार हो। स्वामी जी, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात जान ली। ये देखिए स्वामी जी, इस यंत्र को देखिए। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक बबलर। क्या होता है इससे? इस यंत्र की सहायता से ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि पौधे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे आशा है कि हम इस प्रयोग का खेती में उपयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम स्वामी जी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु को प्रयोगों तथा आविष्कारों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से निमंत्रण आए।
सन 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, सन 1902 में लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में, 1914 में यूरोप के कई देशों में उन्होंने अपने प्रयोग प्रदर्शित किए और व्याख्यान दिए। सन 1919 से 1929 तक प्रोफेसर बसु ने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका और जापान का दौरा किया और अपने आविष्कारों का प्रदर्शन कर विज्ञान जगत को चकाचौंध कर दिया। आचार्य जगदीश चंद्र बसु के करीब 80 लेख फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड की चोटी की पत्रिकाओं में छपे। यही नहीं, उनकी 10 से ज्यादा पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले इस विलक्षण वैज्ञानिक का साहित्यिक योगदान भी विशेष है। उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला में भारतीय साहित्य का पहला साइंस फिक्शन लिखा। नाम था निरुदेशर कहानी। छोटे बच्चों के लिए आयाकथ नाम का उनका बाल साहित्य बेहद दिलचस्प है। नवंबर 1937 को ये कर्मयोगी वैज्ञानिक हमसे विदा लेकर सदा के लिए सो गया। अपने जीवन को अंत तक विज्ञान, समाज और साहित्य को अर्पित करने वाले इस महान भारत पुत्र के हम ऋणी हैं। They would be our worst enemy, who would wish to live only the glories of the past. By continuous achievement alone, we can justify our great ancestry. आचार्य जगदीश चंद्र बसु विज्ञान के आकाश में एक भारतीय सितारा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, कमल कुमार वर्मा, ममता मलकानी, वैभव, रक्षित थपलियाल और किशोर सहजानी, बाल कलाकार निशांत, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।